इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सामने दो महिलाओं ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की है। इस व्यक्ति पर अश्लील वीडियो मोबाइल पर भेजने का आरोप है, इसलिए इसकी पिटाई की गई है। इस व्यक्ति का नाम पवार बताया जा रहा है। दोनों महिलाओं का आरोप है कि ये व्यक्ति मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजता था और ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अक्सर मोबाइल बच्चों के पास रहता था। दरअसल इस दोनों महिलाओं के किसी परिचित महिला से इसकी जान पहचान है और इसी वजह से इन लोगों का भी नंबर इस व्यक्ति के पास आ गया था और नंबर आने की वजह से अक्सर ये व्यक्ति इनके मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजता रहता था, जिससे ये लोग काफ़ी परेशान थे और आखिरकार घाटकोपर से आकर इन दोनों महिलाओं ने इस व्यक्ति की मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सामने पिटाई कर दी। इसकी हरकतों से ये दोनों महिलाएं काफ़ी तंग आ चुकी थी और तंग आकर ये महिलाएं घाटकोपर के पंत नगर में इसकी शिकायत लेकर गई, मगर वहां मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की बात कही गई। मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इन दोनों महिलाओं ने इस पवार नाम के व्यक्ति को पकड़ा और इसकी पिटाई की और इस व्यक्ति को मुंब्रा पुलिस ने पिटाई होने के दौरान अपने हिरासत में ले लिया। मुंब्रा पुलिस ने भी ये कहा है कि हम इस आरोपी को पंत नगर पुलिस स्टेशन के ताबे में दे देंगे और आप लोग घाटकोपर के पंत नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराएं। 10 साल की लड़की उन लोग को उसका गंदा वीडियो भेज रहा है। गंदा लड़की लोग का गंदा क्या हो? क्या नाम है उसका? पवार। पवार पवार कहाँ रहता है? ये इधर रहता है, हम लोग काम के ऊपर से युवा में। अच्छा, गंदा गंदा वीडियो भेज रहा है तुम्हारा, छोटी बच्चियों को। इतनी इतनी बच्चियां, 10 साल की, 10 साल की बच्चियां गंदा गंदा वीडियो क्या व्हाट्सएप पे भेजता है? व्हाट्सएप पे भेजता है वो हमारा नंबर लेके गई थी। अच्छा।